बात कीजिए भैया, ये आप मशीन देख सकते हैं यहाँ से, ज्यादा 27 फुट लंबी मशीन जो है ये होती है, एकदम सॉलिड मशीन है और बहुत ही अच्छा और सॉलिड बिजनेस होने वाला है आपके व्यूअर्स के लिए। बाकी आप लोग को प्रोडक्शन हम थोड़ा सा दिखाते हुए चलते हैं। ये प्रोडक्शन देखिए, एक एक सेकंड में एक एक झोले निकल रहा है। एक मिनट में 120 पीस हाई स्पीड होता है इसका। अच्छा, हाई स्पीड करोगे तो एक मिनट में 120 पीस करके देगा। और देखिए कितना एकदम सेप वाला झोला निकल रहा है, एक भी कहीं से आप दिखाइए कस्टमर को। ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप लगातार अपने घर में लगा करके पैसा ही पैसा और नोट ही नोट छापने वाले हैं। ये मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, नॉन ओपन बॉक्स बैग मॉडल। जैसे देख रहे होंगे कि ये मटेरियल थोड़ा सा वेस्ट निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कटिंग है, तो जो भी ये वेस्ट मटेरियल है, ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, ये और सुपर डुपर हिट बिजनेस है डंकी की। तो एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक नया बिजनेस लेकर आ गए हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप लगातार अपने घर में लगा करके पैसा ही पैसा और नोट ही नोट छापने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये जो मशीन है कपड़ा से झोला बनाने वाली मशीन, यानी कि नॉन ओवन मेकिंग मशीन का बैग ये देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बात की जाए तो अभी मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में न्यू इंडिया मशीनरी में, और न्यू इंडिया मशीनरी के द्वारा ही हम कस्टमर के घर पे आए हुए हैं और यहाँ से कस्टमर का रिव्यू भी देने वाले हैं कि यदि ये कस्टमर लगाया हुआ है तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना एरिया ज़रूरत पड़ रही है, सब कुछ बताने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर झोला बनाने का जो प्रोसेस है किस तरह से चल रहा है, लगातार जो यहाँ पर प्रोडक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पर पैकिंग का काम हो रहा है। यदि आप चाहते हैं मशीन खरीदना तो इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे कि कैसे खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप प्रोडक्शन से माल भी लेना चाहते हैं यहाँ पर तो माल भी ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे कि ये आप कैसे खरीदेंगे, और प्लांट बैठाना चाहते हैं तो प्लांट कैसे बैठा सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज की जानकारी भरी वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। नया बिजनेस है, नया अच्छा तरीका है और कमाने का फुल जरिया आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के ऑनर को बुलाते हैं, उनसे सारी जानकारी लेते हैं। ऑनर हमारे साथ मौजूद है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया है जी। आज आपको हम लोग जो है पूरे आपके व्यूवर्स को एकदम ही नया मार्केट में, नया भी बोल सकते हैं और हमेशा चलने वाला बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमेशा चलेगा ये बिजनेस। ये नॉन ओवन बैग मेकिंग मशीन का बिजनेस है जो कि हमेशा चलेगा, आज भी आज से 50 साल बाद भी हमेशा चलेगा। तो मशीन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, मशीन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो देंगे, सारा कुछ बताएंगे। बिल्कुल, जैसा आप लोगों को भी पता है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे लोग शोरूम में भी यूज कर रहे हैं, सब्जी बेचने के लिए भी यूज कर रहे हैं और कपड़े के लिए भी यूज कर रहे हैं, मिठाई की थाली के लिए यूज कर रहे हैं, तो तमाम सारी चीज़ों में यूज होने वाली ये मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा आप इस चीज़ इसके बारे में जानकारी दीजिए, यदि कोई भी प्लांट बैठाता है तो उसको कितने कितने जगह की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नॉन ओवन मशीन में बहुत तरीके की मशीन आती है। ये जो मॉडल आज आपके व्यूवर्स को हम लोग दिखा रहे हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि डब्लू कट झोला बनेगा। डब्लू कट झोला वो होता है जो कि आप सब्जी वब्जी रिटेल मार्केट में यूज़ करते हैं, सब्जी का दुकान, चिकन का दुकान, फल का दुकान। इसके बाद साड़ी वाड़ी वाले भाई लोग के लिए डी कट भी झोला बना पाएंगे, मिठाई वाले कस्टमर्स के लिए बॉक्स बैग बना पाओगे, और भी एडिशनल प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं जो कि इस मशीन में बनता है। जैसे कि मास्क बनेगा इस मशीन में, इस मशीन में जो है जो होटल वगैरह में सेफ वगैरह होते हैं उनका जो कैप होता है वो बनेगा। अच्छा। इलेक्शन में जो यूज होता है कैप्स, प्रमोशनल कैप्स जिसको बोलते हैं वो भी बनेगा। अच्छा, तो यही सारी जानकारी हम बताने वाले हैं। अच्छा, जो मॉडल आपने बताया तो कितने तरह के मॉडल की मशीन आते हैं? बहुत तरीके के, फुल्ली ऑटोमेटिक में भी 3-4 तरीके के मॉडल्स हैं, सेमी से भी है, 2-1.5 लाख रुपए से भी धंधा ये चालू हो जाता है। अच्छा, तो काफी सारे इसमें जो है आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आज की वीडियो में कौन सी मशीन है? ये मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, नॉन ओपन बॉक्स बैग मॉडल जी, ये बॉक्स बैग मशीन है। अच्छा, यदि ये कोई प्लांट बैठाना चाहता है तो उसको कितना एरिया की पहले जरूरत पड़ेगी? आप देख सकते हैं ये प्लांट बैठाने के लिए इस मशीन की जो लंबाई होती है वो 27 फीट लंबाई होती है। अच्छा। और 7-8 फीट चौड़ी होती है, तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट आप मान के चलो कि उतना एरिया रिक्वायरमेंट चाहिए। बाकी जिस पैमाने पे आप काम करना चाहते हैं उतना माल वाल रखने के लिए जगह, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। मशीन के लिए 800-1000 स्क्वायर फीट पर्याप्त है। अच्छा, इसके लिए बिजली खर्च कितना होता होगा? इसके लिए 3-फेज कनेक्शन चाहिए, 8 किलोवाट का लोड चाहिए। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा मशीन के बारे में बताएं कि कैसे कैसे चल रहा है, क्या क्या चीज़ किया गया। स्टार्टिंग से आपको हम बताते चलेंगे, आप इधर आइए।
ये हमारे मशीन का जो है ये रोलिंग सेक्शन है, यहाँ पे जो है रोल को फिट करते हैं। इसके बाद जो रोल है ये देखिए, ये रोल इधर आता है फोल्डिंग सेक्शन पे, यहाँ पे जो है हमारा फोल्डिंग सेक्शन होता है, यहाँ पे कपड़ा जो है फोल्ड होता है, कपड़ा फोल्ड होकर डबल लेयर में होता है, इधर आ जाइए। फिर जब यहाँ आपका फैब्रिक जो है डबल लेयर हो गया, इसके बाद सीधे मशीन में यहाँ पे डी कट की पंचिंग होती है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं जो वेस्ट निकल रहा है, जो डी कट आपका पंचिंग होता है, ये डी कट यहाँ पंच हो गया। फिर ये धीरे धीरे जो कपड़ा है आगे बढ़ेगा मशीन में, और फाइनल जो यहाँ है फाइनली यहाँ जो है आपका जो है बॉक्स बैग ये बन के, या डी कट झोला जो भी आप बना रहे हो, फाइनली यहाँ कटिंग सेक्शन में बन के जो है ये रेडी हो जाएगा। आप दिखा सकते हो कस्टमर को, दिखाइए। और जैसा कि देख सकते हैं, और लेबर कॉस्ट की भी बात किया जाए, दिखाना चाहेंगे आपको, ये जो है आपका यहाँ पे पूरा पैनल है, यहीं से सारा कुछ आप ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ आपका जो है यहीं से ऑपरेट होगा जी, सब कुछ आपका प्रॉपर जो है यहीं से ऑपरेट होगा। और जहाँ तक आप ये भी बताना चाहेंगे आपको, यदि लेबर कॉस्ट की भी बात की जाए तो ज़्यादा आदमी की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दो आदमी मिलकर जो है पूरा मशीन जो है ये चला लेंगे। और सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, सारे ये डी कट के प्रोडक्ट्स हैं, डब्ल्यू कट के प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं। हमारे ये बहुत ही प्रीमियम कस्टमर है, और जिस किसी भी कस्टमर को डायरेक्टली माल भी सप्लाई करना है, जो छोटे बजट के कस्टमर है जिनको कि माल खरीद के डीलर रेट पे सप्लाई करना है, तो आप हमसे जुड़िए, हम लोग भैया से कोटिंग कराएंगे, आप इनसे भी जुड़ के काम कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। ये बनारस का ही एड्रेस है और बनारस शहर में ही है। इनका नाम अभी हम वीडियो में नहीं बताएंगे, लेकिन आप भैया के यहाँ है और इनसे माल लेके आप बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग को प्रोडक्शन हम थोड़ा सा दिखाते हुए चलते हैं। ये प्रोडक्शन देखिए, एक एक सेकंड में एक एक झोले, बिल्कुल एक मिनट में 120 पीस हाई स्पीड होता है इसका। अच्छा, हाई स्पीड करोगे तो एक मिनट में 120 पीस करके देगा। और देखिए कितना एकदम सेफ वाला झोला निकल रहा है, एक भी कहीं से आप दिखाइए कस्टमर को, फिनिशिंग भी देख सकते हैं कितना शानदार, सीलिंग वगैरह देखिए जी, हर चीज। अच्छा, कोई यदि यही झोला अपना खुद का ब्रांडिंग भी बनवाना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंट वगैरह करा के सब कुछ करा सकते हैं, अलग से प्रिंटर लगाइए, प्रिंटर लगा के ब्रांड बना के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, जी बिल्कुल। बात कीजिए भैया, ये आप मशीन देख सकते हैं यहाँ से, ज़्यादा 27 फुट लंबी मशीन जो है ये होती है, एकदम सॉलिड मशीन है और बहुत ही अच्छा और सॉलिड बिजनेस होने वाला है ये आपके व्यूवर्स के लिए। क्या आप और बताना चाहेंगे कि आप जैसे देख रहे होंगे कि ये मटेरियल थोड़ा सा वेस्ट निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कटिंग है, तो जो भी ये वेस्ट मटेरियल है ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, ये आपको रिसाइकल होने के लिए वापस 30 से 40 रुपए किलो वापस बिक जाता है। अच्छा, तो ये भी एक पैसा है, तो ये सबसे बड़ा बिजनेस ये है कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, ये भी आपका जो है ये पैसा देके आपको जाएगा, बिल्कुल। और बाकी हम कस्टमर से भी बात करेंगे कि कस्टमर आके यहाँ पर मशीन लगाने के बाद से कितना सेटिस्फाइड है। और इसमें भैया मोटर वगैरह की बात की है तो कितने कितने मोटर, इसमें अलग अलग मोटर होता है, 4-5 मोटरों का यूज होता है। ओवरऑल आपको बता दें तो 8 किलोवाट लोड, 9 किलोवाट लोड जो है ये जो है वो लेती है मशीन। अच्छा, और उस हिसाब से जो है वो काम करती है। अच्छा, ये कोई यदि प्लांट भी बैठाता है तो इसके साथ साथ आपकी कंपनी की तरफ से क्या क्या सपोर्ट रहता है? देखिए, इसके साथ साथ तो सबसे पहली चीज़ की मशीन हम लोग देते हैं, मशीन के लिए टेक्नीशियन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एक बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, सर्विस हमसे ले लीजिए, रॉ मटेरियल ले लीजिए। इनफैक्ट कि बना बनाया माल अगर आपको स्टार्टिंग में बेचने में दिक्कत हो रही है, जबकि होगी नहीं, क्योंकि ये बिजनेस और प्रोडक्ट ऐसा है कि दिक्कत तो होने वाला है नहीं, अगर होती है तो आपको हम बना बनाया कस्टमर दे देंगे, आप उनको डायरेक्टली माल सप्लाई कर सकते हैं, तो रॉ मटेरियल आपको दी देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरा रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे भरा हुआ है, प्रॉपर सारे कलर का, शेप का, साइज का भरा हुआ, और सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करके जो है वो दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, बात कीजिए भैया कि इसके अंदर प्रॉफिट कितना होने वाला है, क्योंकि एक प्रॉफिट के लिए ही कोई बिजनेस स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जो है किलो वाइज प्रॉफिट होता है, जब आप डब्लू कट झोला बनाइएगा तो 1 किलो पे आपको 15 से 20 रुपए, 25 रुपए तक मार्जिन जाता है, डी कट में भी 20-22 रुपए तक का पर केजी मार्जिन जाता है। और प्रॉफिट का जैसे कि पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितना प्रोडक्शन आप ज़्यादा करिएगा, जितना सेल ज़्यादा कीजिएगा, उतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग कम आएगी, प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, बशर्ते जितना आप लाइन में पुराने होते चलिएगा। मतलब कि आप जैसे मशीन लगाएं, मशीन लगाने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जहाँ दिक्कत है हमारा टीम आपको हेल्प करेगा, अच्छा रेट वाला रॉ मटेरियल उठाइए, अच्छे क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल उठाइए, मार्केट में जो डिमांड है वो उठाइए, तो इस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन जो है ओवरऑल 20 से 25 रुपए पर केजी जो है। अच्छा, इसमें बचने वाला है और सुपर डुपर हिट बिजनेस है, डंके की चोट पे। जी जी बिल्कुल, और मशीन तो काफ़ी बड़ी है और कहीं ना कहीं लोगों के पास बचत की, बिल्कुल प्रॉफिट भी बड़ा है सर, मशीन बड़ा है, प्रॉफिट भी बड़ा है और काफ़ी एकदम सॉलिड बिजनेस है ये,
इस बिजनेस में आंख बंद करके भरोसा आप कर सकते हैं और आपके पूरे व्यूवर्स जो है वो भरोसा इस पर कर सकते हैं। फाइनेंस वगैरह की इस पर सुविधा है? फाइनेंस वगैरह वही है जैसे इसके मैं सारे वीडियो में आपके बताता हूँ, आपके नज़दीकी DRPO वगैरह से नज़दीकी कंसल्टेंट सब लोग संपर्क करा देंगे। आपका सिविल स्कोर वगैरह अच्छा है तो आप अपने कस्टमर से मिलिए, बात कीजिए और कराइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। बाकी हम आपको बताते चले, यदि आप न्यू इंडिया मशीनरी से जुड़ते हैं तो छोटे बिजनेस लगाएं, बड़े बिजनेस तक कर सकते हैं। लो प्राइस में भी यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हर तरीके की मशीन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाली है। ये प्लांट अपना खुद का बैठाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, हम थोड़ा सा भैया से जान लेते हैं जी। इसके लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, हमारा ऑफिस एड्रेस है वाराणसी उत्तर प्रदेश में लहर तारा चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नीचे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। हमारे फैक्ट्री पे आइए, मशीन देखिए, पसंद आता है तो फिर आगे की बात आगे की जाएगी, माल मटेरियल सारा कुछ आपको यहाँ से जो है दे दिया जाएगा। बिल्कुल। बाकी दोस्तों यदि आप मशीन खरीदना चाहते हैं तो कंपनी का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही साथ स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहा होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।